लेमान है तो यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ नया ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, तो कुछ एनिमेशन को मिक्स करने का कोशिश किया। बाकी देखना बताना वीडियो करने तुम्हें कैसा लगा, अभी ज्यादा जज ज्यादा मत करना क्योंकि प्रॉपर अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज पर ये चीजें, प्रॉपर कैमरा भी नहीं है साथ ही में, वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग भी नहीं करने वाला हूँ, तो पूरा प्रॉपर एक रॉ फुटेज रहेगा जिसको हम प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा से शूट नहीं कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी डाउनग्रेड रहेंगी, तो बस एक कंटेंट ऑफ क्वालिटी जिसको तुम जज कर सकते हो और कमेंट्स में बता सकते हो कि जनरली लास्ट में तुम्हें कैसा लगा, शेयर जरूर करना। चलिए तो देखिए जो हम आज टॉपिक लेकर जाएंगे वो क्लास 10 का रहेगा, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ठीक, इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ही पढ़ते हैं। क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर किया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, पॉवर्टी किसको कहा जाता है, साथ ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा होता है और फूड सिक्योरिटी क्या है। क्लास 10 के इकोनॉमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट रहते हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स से। क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में टोटल आपके चार चैप्टर रहते हैं, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन, जिसमें से हम आपका चैप्टर नंबर 1 लेकर जा रहे हैं डेवलपमेंट। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा चीजों को करने का एक अपना तरीका रहता है जहां पर कि हम सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेकर चलते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए पर्टिकुलरली आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहले नोशन किसको कहा जाता है, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या डेवलपमेंट एक आइडिया है, तो जी हाँ डेवलपमेंट एक आइडिया है जो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा और इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अलग होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो पर्टिकुलरली आपको टॉपिक में आगे क्लियर होगा। साथ ही नीचे की तरफ आते हैं, मेनली जो चैप्टर फोकस करता है वो आपके कंट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना में से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, तो आपका जो ऑब्वियस आंसर रहेगा वो चाइना रहेगा, या इंडिया और यूएसए में से कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यूएसए। अब आपको ये तो पता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, मैं पूछता हूँ क्यों, ऐसा क्या क्राइटेरिया आपने सेट किया। ये सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, मैं पूछता हूँ मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेहतर, आप कहते हैं स्टूडेंट ए, तो मैंने आपको कोई तो क्राइटेरिया दिया होगा ना जिसके बेसिस पर आपने कंपेयर किया। अब वो एजुकेशन हो सकता है, या मैं ये पूछ सकता हूँ कि पर्टिकुलरली खेल में कौन सा बच्चा अच्छा था, तो वो चीज है। साथ ही जो मेन टॉपिक्स हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, इस टॉपिक्स को मैंने कैसे बायफोकेट किया, पर्टिकुलरली क्या होता है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में एक कहानी एक तरीके से रिलेट करती है, फिर टर्निंग पॉइंट आता है, इसी तरीके से पर्टिकुलरली आपका एक चैप्टर होता है जहां पर एक ही स्टोरी पूरी चैप्टर में नहीं रहेगी, एक पर्टिकुलरली चैप्टर के अंदर प्रॉपर चार टॉपिक्स रहेंगे। जैसे कि अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो क्या डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेट करता है, तो यहाँ पर नई मेजेस लगा दी, तो जी हाँ पैसा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेकिन सिर्फ पैसे से डेवलपमेंट रिलेट नहीं करता, और भी कुछ चीज होती है जैसे मटेरियलिस्टिक नीड्स क्या होती है, नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं। कंपेयर करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है जिस बेसिस पर हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, ऐसा क्यों है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया और चाइना में से चाइना डेवलप कंट्री है तो क्यों, ऐसा क्या क्राइटेरिया है, साथ ही कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कम, क्योंकि एक्चुअली में 195 प्लस कंट्रीज हैं, तो उसमें से इंडिया कौन से रैंक पर स्टैंड करता है, कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि इंडिया से डेवलप्ड है, सिर्फ इतना ही, क्या रिसोर्सेज जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, मतलब अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, व्हाट स्टेप्स कैन इंडिया टेक, इंडिया क्या स्टेप्स ले सकती है किस चीज को अचीव करने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और बेसिकली सबसे सिंपल टर्म से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट पर्टिकुलरली क्या होता है। देखिए अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो डेवलपमेंट अ टाइप ऑफ आपका प्रस्पेक्टिव होता है। प्रस्पेक्टिव किसको कहा जाता है, देखिए डेवलपमेंट एक ओपिनियन है, एक आइडिया है, आइडिया को क्या भी कहा जाता है, नोशन। मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था, इस पर क्वेश्चन बन जाता है 3 मार्क्स में, डिस्कस अबाउट द नोशन ऑफ डेवलपमेंट, तो बच्चों को ये नहीं समझ आता कि नोशन क्या है, तो नोशन किसको कहा जाता है, पर्टिकुलरली आइडिया। और अब थोड़ा सा मेथड भी चेंज हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अगली बार ओपन बुक एग्जाम होगा तो वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप रटने में लगे उससे बेहतर। तो डेवलपमेंट पर्टिकुलरली आपका एक आइडिया होता है जो वेरी करता है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लग रहेगा कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लग रहेगा। पहले मैं आपको इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि डेवलपमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई नया बाइक परचेज किया, किसी ने नया कोई कार परचेज किया, साथ ही जो एक पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि बच्चे मार्क्स स्कोर कर सके। और एक्चुअली में इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, डेवलपमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। अब ऐसा क्यों है वो भी हम इस चैप्टर में लेकर जाएंगे कि इस पर भी क्वेश्चन आता है, और फॉर द रीजंस बिहाइंड कि क्या कारण है जिसके चलते पर्टिकुलरली आपको डेवलपमेंट जो लोगों की नीड से अलग देखने को मिलती है। मेनली जो इस चैप्टर में डेवलपमेंट पढ़ने वाले वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में, मतलब इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकर जाएंगे, पहले इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट को समझेंगे और फिर प्रॉपर तरीके से उसको कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताने की कोशिश की कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, मल्टीपल चीजें आती हैं। बस यहाँ पर समझ कर चलेगा कि वन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के हो जाते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, इसमें आपकी मेन 3 चीजें आती हैं, आपका हाउसिंग हो गया, आपका पर्टिकुलरली हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स हो गए, आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, बाकी जितनी चीजें वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हम आपका
कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लेकर जाएंगे, वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ेगी और एक कॉम्प्रेहेंसिव टर्म रहेगा। ठीक, चलिए तो जरा आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं। देखिए, देखो सिंपल शब्दों में अगर आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो डेवलपमेंट तरक्की को कहा जाता है। तरक्की इन द सेंस अच्छी चीजों का बढ़ना, बुरी चीजों का कम होना, वो आपका डेवलपमेंट हो जाता है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होगा, जो डेवलपमेंट है वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन रहेगा, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो एक कॉम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन हम देखने वाले हैं जहाँ पर हम मल्टीपल चीजों को कवर करेंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इनकम का इंक्रीज होना। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड्स को मतलब प्रॉपर तरीके से एक चीजों में वर्कअप एक तरीके से रिसर्च किया, मैं प्रॉपर इमेजेस दिखा सकूँ। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है, इनकम का इंक्रीज होना, साथ ही आपके जो एस्पायर्स मतलब जो गोल्स हैं उनका पूरा होना, सबसे जो पर्टिकुलर यहाँ पर देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड हो गया उसमें इंक्रीज होना। ठीक, इसके अलावा ये सिंपल सी बात है ना, अच्छी चीजों का बढ़ना, बुरी चीजों का कम होना। तो बुरी चीजों में क्या हो जाता है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है किसी भी चीज को लेकर, जेंडर को लेकर, रंग को लेकर, किसी भी चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, वो खत्म होना। साथ ही पॉवर्टी को काट कर फैलना। हम ये इमेज काफी क्रिएटिव से मैंने लगाई हुई है, पर्टिकुलरली तुम बता सकते हो, क्या तुम्हें समझ में आई तो बताना कमेंट में, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पर्टिकुलरली इमेज अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करती है, जैसा कि आप मोदी जी देख रहे हैं और ये इंसान इसके हाथ में आपको कुछ इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये वो इक्विपमेंट्स है जिससे मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे और रोजगार क्रिएट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आपको डेवलपमेंट क्लियर किया होगा, अच्छी चीजों का भरना, बुरी चीजों का कम होना, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट आपको सिंपल और सिर्फ डेफिनेशन से तो क्लियर होगा ही। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी इंसान का नाम लेने लग जाऊँ और मैं कहता हूँ मुझे उसके बारे में सब बताइए, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि आप वो चीज क्लियर कर पाएंगे। बस यार इतना ही था, तो मुझे बताना जरूर कि तुम्हें वैसे बहुत सारी स्लाइड्स वगैरह तैयार किए हैं, सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, 9th 10th 11th जो भी सब्जेक्ट जो भी बच्चे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं हर जगह इस मेथड को अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी तुम कमेंट में बताना जरूर कि तुम्हें कैसा लगा, और ये जस्ट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट हो तो ज्यादा जज मत करना, सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी देखना कि वो चीज तुम्हें कैसे लगी। बाकी मिलते हैं इस साल में, तुम्हें हर जगह मिलूंगा, यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, साथ ही ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, मतलब हर जगह। हो सकता है किसी स्कूल में भी मिलूँ, ऑफलाइन चीजें ट्यूटोरियल्स पर भी मिलूंगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिटी पर भी मिलूंगा, यूट्यूब पर भी मिलूंगा, और शायद से किसी स्कूल में भी, हर जगह मैं टारगेट करने वालों, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि तुम मुझे नहीं लगोगे। बाकी बस इस वीडियो को यही प्रेरण करता हूँ, और कमेंट में बताना जरूर कि तुम्हें कैसे लगे। और जनरली अगर तुम्हारा जो एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो टूटा नहीं, तुमने वीडियो की ड्यूरेशन नहीं देगी और तुम एंड तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना काम से इसी वीडियो अच्छी देगी। थैंक यू।